पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार ने सारे स्कूल और ट्रेनिंग सेंटर को बंद करने का निर्णय लिया था। इनमें केवल उन जगहों को छूट होगी जहां पहले से परीक्षाएं हैं। निर्माण स्थलों पर कार्य 17 नवंबर तक बंद रहेगा। दिल्ली के अंदर जितने भी निर्माण कार्य चल रहे हैं वे सब बंद रहेंगे। छोटे बड़े निर्माण कार्य केंद्रों, दिल्ली सरकार या फिर निजी और MCD के कार्य, सभी तरह के निर्माण कार्य बंद रहेंगे। दरअसल दिल्ली में जिस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को कोरोना लॉकडाउन में बंद किया गया था, लेकिन प्रदूषण के चलते अब उसे भी रोकना पड़ेगा। इसके साथ ही पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार ने सारे स्कूल और ट्रेनिंग सेंटर को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इनमें केवल उन जगहों को छूट होगी जहां पहले से परीक्षाएं हैं। हालांकि निर्माण स्थलों पर काम 14 से 17 नवंबर तक बंद रहेगा। उसके बाद सरकार आगे की स्थिति पर निर्णय लेगी। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है उसको लेकर के चर्चा हुई थी, जो DPCC के अधिकारियों ने अपने प्रेजेंटेशन भी दिए थे, जिसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि दिल्ली के अंदर दो तरह का प्रदूषण है। एक दिल्ली के अंदर का प्रदूषण है, जो दिल्ली के गाड़ियों से, दिल्ली के कंस्ट्रक्शन से, दिल्ली के अंदर जो कूड़ा जल रहा है उसकी वजह से हो रहा है, और दूसरा जो बाहर से प्रदूषण आ रहा है पराली जलने से। कल की AQI प्रदूषण का स्तर तो काफी गंभीर था, आज कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी जो अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में अभी प्रदूषण का स्तर और जो है खराब होगा। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के संकट से निपटने को शनिवार को कई आपात उपायों की घोषणा की गई थी, जिनमें एक सप्ताह के लिए स्कूलों और कॉलेजों को बंद करना, निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध और सरकारी कर्मचारियों के लिए घर से काम करना शामिल है।